तार पास, मगर तन पत को वक्त गुजरान आव गाम तोर यथन मान कसवानी मर होत ये दिस बाब रो सब तर स्कूता गुरुद होई ये तर स्कूता करे तर स्तरा ते अली आता आमीन अश्यत सिद्ध सत्ता जे दसवन तंग से स्थान पाद तंग से नर आवलाद बराबर को क्षेत्रीय अश्य समझान शसाने गारो का खाद गुजरो देखिए जैसा ही आपने अभी मुझे नहीं पता है कि आप अंदर तशरीफ फरमा थे जहाँ हमारी आज चौथे की मजलिस हो रही थी मोहम्मद कासिम वानी मरहूम साहब की। मुझे लगता है साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ये शख्सियत कौन थी और हमारे लिए क्या थी। देखिए हम आप सुनावारी जानते हैं लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये हमारे घर का फ़र्द था, अंसारी ख़ानदान का एक फ़र्द था जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे से ज़्यादा इस दुख को या इस फुकदान को कोई नहीं देख सकता। ठीक है मोहम्मद कासिम साहब पूरे इस इलाके में लोगों की खिदमत करते थे वगैरह करते थे लेकिन हम इस वक्त ताज़ीदार हैं और इस गम में हम हैं। तो है इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब। और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। आसफा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था जो गुलिस्तान न्यूज़ पर आया मैंने वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले।